भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले वनडे और टी20 मैच से पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा है। घुटने में चोट लगने की वजह से भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वनडे और टी20 में नहीं खेल पाएंगे। शमी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह सीरीज से बचे दो मैच भी नहीं खेल पाए थे। वहीं शमी के चोटिल होने के बाद उनकी जगह ईशांत शर्मा ले सकते हैं। हालांकि खबरों की माने तो चयनकर्ता आशीष नेहरा के नाम पर भी विचार कर सकते हैं। भारतीय टीम में केवल शमी ही नहीं बल्कि कई अन्य खिलाड़ी हैं जो चोट से जूझ रहे हैं। ओपनर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी चोटिल चल रहे हैं। अगर वह सीरीज तक फिट नहीं होते तो उनकी जगह चयनकर्ता शिखर धवन के नाम पर विचार कर सकते हैं। वहीं चोटिल रोहित शर्मा की जगह पर टीम में 13 शतक जड़ने वाले करुण नायर को भी शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत इंग्लैंड के बीच हाल ही में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म हुई है, जिसमें भारत ने 4-0 से सीरीज पर कब्जा किया है। वहीं अब 15 जनवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाने हैं। ऐसे में खिलाड़ियों का चोटिल होना भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इंग्लैंड सीरीज के दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले शमी की कमी जरूर खलेगी, मगर देखना दिलचस्प होगा कि टीम में उनकी जगह कौन लेता है। देखते रहिए डीबी लाइव।